रो रहा है, बहुत ज्यादा बदमाश हो गया। देखा तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग राधा चिलवाल फ्रॉम उत्तराखंड अल्मोड़ा। तो आज की दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी, और दिन की शुरुआत के साथ साथ पहाड़ों में काम धंधा भी शुरू हो ही जाता है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और ब्लॉग देखते रहिए। सुबह सुबह का टाइम, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग और बड़ों को मेरा प्रणाम। और सुबह के अभी बजे हैं करीब 6, धूप अभी आ नहीं रखी है क्योंकि हमारे वहाँ धूप आती है 9 बजे, और मैं आ रखी हूँ अभी बाहर। और मौसम देखो, सुबह सुबह इतना ठंडा, उतना ठंडा भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक ठाक ही हो रखा है, और कहीं कहीं पर बादल भी लगे हैं ऊपर। सुबह पापा पंछी को भगा रहे हैं। कहो गुड मॉर्निंग। हाँ ये देखो, हमारा पालक लगाया है तनुज ने यहाँ पे फिर से, तो खा जाएंगे पंछी। मम्मी आ गए हैं हमारे गोट से दूध निकाल के। कुशु गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुशु। वो चंदना बाप, वो चंदना बाप का फिर तो उठ तो वो जार खाल तो दिए गुड़बाड़ भतर का तो फसल मार दिए ने साहबी चाय इन्ने बा रोटी में लेने बा आपे ही ले वाई। अच्छा ये गला नहीं पी रहे बे ना ये बिगे बड़े नहाने बे तो गन मार फिर बुड़बे बैठा बुटी दे दुकाने लगाए हैं। तमर बुड़ी अमर बुढ़िया का जिंदगी हो मुंह को आप पछता है संसार क्या करने बगो संसार चाहत भी होने का हम बुढ़िया गम माने का हाल बाल वो आप हलसना योशरो हलसना योशरो वो खानी पाल वो खानी मार वो खानी सब जमीन आप भरेगी हजार बोल इसकी गम माने ना इसकी जब बुढ़िया को नचान बुढ़ा किले मुश्किल से मैं साई ने दी नहीं हल्द्वानी का मार वो सीधा मैं हल्द्वानी उन आ रही है बुढ़ी चाह नहीं देना मगे बट साग क्या कर से दिए ले व्यवस्था कर रखी है तू व्यवस्था करके ताबेर चाह दे ली तू मैं नहीं उठनी अब काल नहीं उठी रहती बेहाल ओ बाहर से जी बेबे कत्ता उठो मैं बाहर साल बा हो बा मैं तो क्या काल नहीं आला जन हूँ उन साठ मैं क्या करूँ साठ इन साठ इन क्या करूँ मैं आज ही बाला तो 80 साल ना हो 80 साल तले पे मैं सो 80 साल तले बुड़ी ले कतो बड़ी फसु मानी किधर फसु तो फसु मना माने भी है बड़ी गुदी मार जा तू चाहल होनी वहाँ रत ही वहाँ मार नहीं फसो ऊ नाम बा फसो नहीं मापन बहुत ही मान तो अब बुढ़ीगढ़ को मारो फसो बाउदीगढ़ मान में पल बगन यही मार तू यही 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 मार यार गोट गठलन खानदाब भेद है क्या जाट जाट किला कहाँ गठन नहानी तू मारो अपन बुढ़ी का जाट ये तो हम तो जाट हैं यो ये इसके पढ़ो ना यार यो बात को बहाल आगे हाल दे यार तुम बटन कश काल भी होनी है कहाँ बे मैं तुम्हें दाल लगा बिल्ला अपनी बात को बहाल कहाँ पूरा तुम लोग लड़ाई जा लड़ाई दुआ में पूछू खुद बेर इसके पास चिंचना हल्का बेर छोड़िए बोलो पतू दिल में शुगर है जाम किला कदली में बढ़ा दियो शुगर कदली मतलब बढ़ाई दियो तू क्या बड़ों से ये का साथ में जाना है किला में ले जा बे ले मैं लड़ी लड़ा तू जा ये
रील्स बना दी इन्होंने। अभी बजे हैं करीब 4:30 और हमारा काम हो चुका है और सूरत दादा भी आप जाने ही वाले हैं, तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि राधा कुछ काम नहीं करती है, वो ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारे 10, 12 या 8 मिनट की वीडियो में 24 घंटा पूरा 24 घंटा जज नहीं कर सकते, और जितना भी काम होता है वो लोग जो बोलते हैं वो तो करके जाते नहीं है। अब कितना से है ना, रोज़ मैं जवाब देते देते थक गई हूँ, और भी बहुत सारी बातें यार उन लोगों से बोल दूँ मैं, इतनी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को प्लीज़ वीडियो ना देखें। और मतलब कंप्लेन करना आप लोगों का हक है, लेकिन बार बार वही चीज़ रिपीट करना और फिर से उतना काम हम लोग दिखाते हैं पूरा नहीं दिखा पाते हैं, फिर भी आप लोग ये बोलते हो काम नहीं करते हो, बताओ। और जो जो पहाड़ में रहते हैं, रह के गए हैं बाहर, वो लोग तो जानते ही है कि घर में कितना मतलब रहता है ना काम, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना कीजिए, बुरा भी लगता है ना, तो प्लीज़ यार इतनी बार अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे भी शर्म आती है यार ऐसा बोलने में, ऐसा तो मत बोला करो, है ना। आप लोग इतना देखते हो, काम देखते हो, फिर भी ये बोलते हो, बताओ। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत होना चाहिए ना कि हाँ यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, काम के साथ साथ सब कुछ करते हैं, फिर भी आप लोग ऐसा बोलते हो, गलत चीज़ है यार, प्लीज़ मत बोलिए ऐसा। बाकी प्लीज़ अगर ज़्यादा ही किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे काम ना करने से, जो ज़्यादा ही बोल रहा है, प्लीज़ आप आइए और करिए हमारे घर का काम, देखते हैं कितना काम कर सकते हो, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कितना काम होता है घर में। और अभी मैं काटने आई हूँ भीमल, जिसे हमारे वहाँ भीकू कहा जाता है, और बचपन में हम इसके दाने खूब खाया करते थे, मतलब पके हुए दाने बहुत मीठे होते हैं, तो हम लोग इसको खाते हैं, और जल्दी से इसमें से भीमल काटते हैं, उसके बाद रुद्रांश भी उड़ जाता है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। और अभी बजे हैं शाम के, और बंदरों का इतना आतंक हो गया है, एक इकलू बानर है जो अंदर ही घुस जा रहा है, अभी ताई को मारने आ रहा था, तो बहुत ज्यादा बंदर आ गए हैं इधर। भीमल की लकड़ी हमारे जलाने के काम आ जाती है, इसलिए हम इसके लकड़ी को निकाल देते हैं, और चारा बिल्कुल खाली भीमल के पत्ते रख देते हैं ऐसे ऐसे, ये लकड़ी हमारे सूख जाएगी, जलाने के काम आ जाएगी। लकड़ियों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम लोग इसका ऐसे गट्ठा, जल्दी से बना के चलते हैं गट्ठा। वो देखो उधर छोटा 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 दिख रहा है ना, वहाँ मैच चल रहा है, तनुज लोग का, तनुज कर रहे हैं यहाँ पर बैटिंग, देख वो देखो दौड़ गए हैं। तो कट्ठा बना लिया है मैंने, और चलते हैं अब घर को, थोड़ी देर देखती हूँ तनुज लोगों का मैच, उसके बाद चलते हैं सीधे घर को।
और रुद्रांश फिर से रोने लगा, ये देखो रोने लगा, बहुत ही ज्यादा रो रहा है, रोना लगा। जो लाइट भी नहीं आई आज, ये मम्मी ने गोद में पकड़ दिया, बहुत ही ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा बदमाश हो गया। हंस रहा देखा रुद्रांश, वो 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 बाबू मोले क्या गलो पे क्या गलो, पशु बन गया है हमारा रुद्रांश, पशु ऐसे गोदी में रखा हुआ है ये रुद्रांश। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।